अशरफ, ये ले भाई बाइक की चाबी और अपना फोन दे। अबे फोन दे यार, क्या शक्ल देख रहा है, देर हो जाएगी भाई, चल काम कर। हेलो हेलो, मेरा मोबाइल आपके पास रह गया, प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से लिया है पैसे जोड़ जोड़ के, और वैसे भी सस्ता मोबाइल है, आपके किस काम का। अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं लेने आ जाऊंगा। जी, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप आके ले लें। लेडीज मोबाइल चोर? नहीं, नबी साहब, अभी जिससे आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, अलीना, आपको याद है? अच्छा, तो आपने एक्सीडेंट इसलिए किया कि मेरा मोबाइल चुरा सके? नबी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप आके अपना फोन ले लें। बोलिए। अलीना बीबी, ये आए हैं। ये क्या होता है, चलता फिरता इंसान हूँ मैं, ये बोल रही है मुझे। आपके यहाँ तो पेट्स के भी नाम होते होंगे क्या? I'm sorry. आप एक काम करें, चाय लेकर आ जाए, चाय के साथ कुछ लेंगे? मेरा मोबाइल अगर मिल जाता तो। आप सब चाय लें। जी बीबी, प्लीज बैठे। तो इसी तरह हमेशा गुस्से में रहते हैं क्या आप? नहीं, इतना गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन आपका कवर्ड एरिया इतना है, चल चल के सर में दर्द हो गया मेरे। वैसे जो आपने बाहर इतनी घास लगाई हुई ना, इतने हिस्से में तो हमारे यहाँ छे-छे बच्चे पल जाते हैं। That's impressive. ये कुशन्स, ये पर्दे और शोपीस, ये सब लंडे से लिया है ना? Well, I don't know where that is, लेकिन मेरे दादा जान बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो जब भी वापस आते हैं अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। ये सब इम्पोर्टेड है। हाँ, तो लंडा भी इम्पोर्टेड ही होता है। हम गरीबों का तो लाइट हाउस भी जर्मनी, इटली, यूके ही होता है। आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ, मैं 4 साल पहले एमबीए किया। वो अलग बात है कि जूतों में सुराख हो गए, सरकारी अफसरों के ऑफिस चढ़ते उतरते। बिजनेस कम्युनिटी में ऐसी बात सर्कुलेट हुई है कि नबील वल्द हिमायत अली एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट को कोई जॉब ना दे, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हंस लीजिए, हंस लीजिए, सदाओं की सिस्कियां भी कोई ना सुने। नहीं, एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि इतने मुश्किल हालात में भी अगर आप खुश हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बस खुददारी हो तो हौसला अपने आप आ ही जाता। बस यहाँ रख दे, मैं बना लूँ। अच्छा जी, ये बताइए कि चीनी कितनी लेंगे आप? जितनी दिल करता है डाल दीजिए चीनी, तो डॉक्टर ने मना थोड़ी किया मुझे। आपके यहाँ कौन सी खत्म हो जाएगी? हमारे यहाँ तो बिल्कुल खत्म नहीं होगी। 3 शुगर मिल्स हैं हमारे। 3 शुगर? कॉमेडी कर रही हैं आप। क्यों, तब आप कर सकते हैं कॉमेडी? नहीं, अमीर लोग थोड़ा कम नहीं हंसते, और कॉमेडी फिल्म देखने जाते हैं तो ऐसे मुंह फुला के बैठे होते हैं। तो ये अमीर और गरीब के कंपैरिजन करने के अलावा और क्या कर लेते हैं? सोचता बहुत। Really? मैं भी बस यही सोचता हूँ कि किसी फिल्मी हीरो की तरह मैं अमीर लड़की सेट कर लूँ, ताकि मेरी भी लाइफ सेट हो जाए। Very funny. अगर हम आपको कभी कोई जॉब ऑफर करें, क्योंकि हमारे पास जॉब्स आती रहती हैं, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वुड यू कंसिडर? नहीं। क्यों? प्लीज़ मेरी काबिलियत का मजाक मत उड़ाइए। मुझे ऐसे किसी की सिफारिश पसंद नहीं है, लेकिन चाय के लिए शुक्रिया। हेलो, तो आपने सिर्फ सिफारिश वाली बात को सॉरी करने के लिए फोन किया था? नहीं, मुझे लगा मेरी बात से शायद आपको तकलीफ पहुंची, इसलिए अपोलोजाइज करने के लिए फोन किया था। जाओ शहजादी, इस फकीर ने तुझे माफ किया बच्चा, जा। फकीर तो आप कहीं से भी नहीं है, तो प्लीज अपने आप को फकीर मत बोलें, क्योंकि आपके पास मेहनत जैसी और डिग्निटी जैसी दौलत है। अच्छा, उस करेंसी से क्या खरीदा जा सकता है? इंसानों को। मतलब कुछ नहीं। और बताएं, कैसे हैं आप? दर्द ठीक हुआ आपका?